सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। अर्जुन साक्षात नर ऋषि के अवतार थे। ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, सखा एवं प्रेमी थे तथा उनके हाथ के एक उत्तम यंत्र थे। इनको निमित्त बनाकर भगवान ने महाभारत युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं का संहार किया और इस प्रकार अपने अवतार के अन्यतम उद्देश्य भूभार हरण को सिद्ध किया। इस बात को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के विश्वरूप दर्शन के प्रसंग में यह कहते हुए स्वीकार किया है कि ये सब तुम्हारे शत्रु मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम्हें इनके वध में केवल निमित्त बनना होगा। इनकी भक्ति तथा मित्रता को भगवान ने गीता में ही आदि शब्दों में स्वीकार किया है, जिसे स्वयं भगवान अपना भक्त और प्यारा माने और उद्घोषित करें। उनके भक्त होने में दूसरे किसी प्रमाण की क्या आवश्यकता है। गीता के अंत में करिष्ये वचनम तौ, यह कहकर अर्जुन ने स्वयं भगवान के हाथ का यंत्र बनने की प्रतिज्ञा की और महाभारत के अनुशीलन से इस बात का पर्याप्त प्रमाण भी मिलता है कि उन्होंने अंत तक इस प्रतिज्ञा का भली भांति निर्वाह किया। गीता से ही इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि ए भगवान को अपना सखा मानते थे और उनके साथ बराबरी का नाता भी रखते थे। श्री कृष्ण और अर्जुन अनेक बार भिन्न भिन्न स्थानों में महीनों साथ रहते थे और ऐसे अवसरों पर स्वाभाविक ही उनका उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना, सोना लेटना साथ ही होता था और ऐसी स्थिति में उनमें परस्पर किसी प्रकार का संकोच नहीं रह गया था। दोनों का एक दूसरे के साथ खुला व्यवहार था, अभिन्न हृदय थी। दोनों का एक दूसरे के अंतःपुर में भी निसंकोच आना जाना, उठना बैठना होता था। एक दूसरे से किसी प्रकार का पर्दा नहीं था। इन दोनों में कैसा प्रेम था, इसका वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र को पांडवों का संदेश कहते समय सुनाया था। युद्ध के पूर्व जब संजय कौरवों का संदेश लेकर उपप्लव्य में पांडवों के पास गए, उस समय
श्री कृष्ण और अर्जुन को उन्होंने किस अवस्था में देखा, इसका वर्णन करते हुए संजय कहते हैं, महाराज आपका संदेश सुनाने के लिए मैं अर्जुन के अंतःपुर में गया। उस स्थान में अभिमन्यु और नकुल, सहदेव भी नहीं जा सकते थे। वहाँ पहुँचने पर मैंने देखा कि श्री कृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुन की गोद में रखे हुए थे तथा अर्जुन के चरण द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में है, इत्यादि इत्यादि। जब पांडव जुए की शर्त के अनुसार वन में चले जाते हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए आते हैं। उस समय वे अर्जुन के साथ अपनी अभिन्नता का उल्लेख करते हुए कहते हैं, अर्जुन तुम एकमात्र मेरे हो और मैं एकमात्र तुम्हारा हूँ। जो मेरे हैं वे तुम्हारे हैं और जो तुम्हारे हैं वे मेरे हैं। जो तुमसे द्वेष करता है वह मुझसे द्वेष करता है और जो तुम्हारा प्रेमी है वह मेरा प्रेमी है। तुम नर हो और मैं नारायण, तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे, हम दोनों में कोई अंतर नहीं, हम दोनों एक हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को कितने प्रिय थे तथा दोनों में कैसी अभिन्नता थी, इसका प्रमाण महाभारत की कई घटनाओं से मिलता है। तब अर्जुन अपने वनवास के समय तीर्थ यात्रा के प्रसंग से प्रभाव क्षेत्र में पहुँचते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनका समाचार पाते ही उनसे मिलने के लिए द्वारका से प्रभाव क्षेत्र को जाते हैं और वहाँ से उन्हें रैवतक पर्वत पर ले आकर कई दिन उनके साथ वहीं बिताते हैं। रैवतक पर्वत से दोनों द्वारका चले जाते हैं। द्वारका में अर्जुन श्री कृष्ण के ही महलों में कई दिनों तक उनके प्रिय अतिथि के रूप में रहते हैं और रात को दोनों साथ सोते हैं। वहाँ जब श्री कृष्ण को पता चलता है कि अर्जुन उनकी बहन सुभद्रा से विवाह करना चाहते हैं तो वे उनके बिना पूछे ही इसके लिए अनुमति देते हैं और उसे हर कर ले जाने की युक्ति भी बतला देते हैं। इतना ही नहीं, अपना रथ और हथियार भी उन्हें दे देते हैं एवं सुभद्रा हरण हो जाने के बाद जब बलराम जी इसका विरोध करते हैं तो वे उन्हें समझा बुझा कर मना लेते हैं और वहीं द्वारका में सुभद्रा का पाणिग्रहण हो जाता है। यही नहीं, खांडव दाह के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण इंद्र से यह वरदान मांगते हैं कि उनकी अर्जुन के साथ मित्रता उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाए। खांडव दाह के प्रसंग में ही अर्जुन और श्री कृष्ण की अभिन्नता एक और प्रमाण मिलता है। खांडव वन के भयंकर अग्निकांड में से मैदानव निकलकर भागने की चेष्टा कर रहा था। अग्निदेव मूर्तिमान होकर उसे जला डालने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे। उनकी सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण भी
अपना चक्र लिए उसे मारने को प्रस्तुत थे। मय दानव ने अपने बचने का कोई उपाय न देखकर अर्जुन की शरण ली और अर्जुन ने उसे अभयदान दे दिया। अब तो श्री कृष्ण ने भी अपना चक्र वापस ले लिया और अग्निदेव ने भी उसका पीछा करना छोड़ दिया। मय दानव के प्राण बच गए। मय दानव ने उपकार के बदले में अर्जुन की कुछ सेवा करनी थी। अर्जुन ने कहा, तुम श्री कृष्ण की सेवा कर दो, इसी से मेरी सेवा हो जाएगी। मय दानव बड़ा निपुण शिल्पी था। श्री कृष्ण ने उससे महाराज युधिष्ठिर के लिए एक बड़ा सुंदर सभा भवन तैयार करवाया। इस प्रकार अर्जुन और श्री कृष्ण सदा एक दूसरे का प्रिय करते रहते थे। जिस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को प्यार करते थे, उसी प्रकार अर्जुन भी श्री कृष्ण को अपना परम आत्मीय हेतु समझते थे। यही कारण था कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की 1 अरब नारायणी सेना न लेकर अकेले और निहत्थे श्री कृष्ण को ही सहायक के रूप में वरण किया। जहाँ भगवान एवं उनके ईश्वर का मुकाबला होता है, वहाँ सच्चे भक्त ईश्वर को त्याग कर भगवान का ही वरण करते हैं। श्री कृष्ण ने भी उनके प्रेम के वशीभूत होकर युद्ध में उनका सारथ्य करना स्वीकार किया। अर्जुन साथ ही साथ अपने जीवन रूप रथ की बागडोर भी उन्हीं के हाथों में सौंप कर सदा के लिए निश्चिंत हो गए। फिर तो अर्जुन की विजय और रक्षा, योग और क्षेम दोनों की चिंता सर्व सामर्थ्य श्री कृष्ण के कंधों पर चली गई। उनकी तो यह प्रतिज्ञा ही ठहरी कि जो कोई अन्यन्य भाव से उनका चिंतन करते हुए अपनी सारी चिंताएं उन पर डाल देते हैं, उनके लिए योग क्षेम का भार वे अपने कंधों पर ले लेते हैं। कोई भी अपना भार उनके ऊपर डालकर देख ले, बस फिर क्या था। अब तो अर्जुन को जिताने और भीष्म जैसे दुर्दंत पराक्रमी वीरों से उनकी रक्षा करने का सारा भार श्री कृष्ण पर आ गया। वैसे विजय तो पांडवों की पहले से ही निश्चित थी, क्योंकि धर्म उनके साथ था। जिस ओर धर्म उस ओर श्री कृष्ण, और जिस ओर श्री कृष्ण उस ओर विजय, यह तो सदा का नियम है। फिर तो युद्ध के प्रारंभ में शत्रुओं को पराजित करने के लिए अर्जुन ने रणचंडी का वाहन एवं अस्तवन करना तथा प्रत्यक्ष दर्शन करके विजय के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करना भगवद गीता के उपदेश तथा विश्वरूप दर्शन के द्वारा उनके मोह का निवारण करना, युद्ध में शस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा की परवाह न कर भीष्म की प्रचंड बाण वर्षा को रोकने में असमर्थ अर्जुन की प्राण रक्षा के लिए एक बार चक्र लेकर तथा दूसरी बार चाबुक लेकर भीष्म के सामने दौड़ना, भगदत्त के छोड़े हुए सर्वसंहार वैशवस्त्र को अपनी छाती पर ले लेना, रथ को पैरों से दबाकर कर्ण के छोड़े सर्पमुख बाण से अर्जुन की रक्षा करना तथा अस्त्र से जले हुए अर्जुन के रथ को अपने संकल्प के द्वारा कायम रखना आदि अनेकों लीलाएँ श्री कृष्ण ने अर्जुन के योग क्षेम के निर्वाह के लिए की। भीष्म को पांडवों से लड़ते लड़ते 9 दिन हो गए, फिर भी
उनके पराक्रम में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आ पाई। प्रतिदिन पांडव पक्ष के हजारों वीरों का संहार कर रहे थे। उन पर विजय पाने का पांडव को कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। महाराज युधिष्ठिर ने बड़े ही करुणापूर्ण शब्दों में सारी परिस्थिति अपनी नौका के कर्णधार श्री कृष्ण के सामने रखी। श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए जो कुछ कहा उससे उनका अर्जुन के प्रति असाधारण प्रेम प्रकट होता है। साथ ही अर्जुन के संबंध में उनकी कैसी ऊंची धारणा थी इसका भी पता लगता है। श्री कृष्ण बोले, धर्मराज आप बिल्कुल चिंता न करें। भीष्म के मारे जाने पर ही यदि आपको विजय दिखाई देती है तो मैं अकेले ही उन्हें मार सकता हूँ। आपके भाई अर्जुन मेरी सखा हैं, संबंधितता शिष्य हैं। आवश्यकता हो तो मैं इनके लिए अपने शरीर का मांस भी काट कर दे सकता और ये भी मेरे लिए प्राण त्याग सकता। अर्जुन ने उपलब्ध में सबके सामने भीष्म को मारने की प्रतिज्ञा की। उसकी मुझे हर तरह से रक्षा करनी है। जिस काम के लिए अर्जुन मुझे आज्ञा दे उसे मुझे अवश्य करना चाहिए। अथवा भीष्म को मारना अर्जुन के लिए कौन बड़ी बात है। राजन, यदि अर्जुन तैयार हो जाए तो वे असंभव कार्य भी कर सकता। दैत्य एवं दानव के साथ संपूर्ण देवता भी युद्ध करने आ जाए तो अर्जुन उन्हें परास्त कर सकते। फिर भीष्म की तो बात ही क्या। सच है, भगवान जिसके रक्षक एवं सहायक है वह क्या नहीं कर सकता। पुत्र शोक से पीड़ित अर्जुन अभिमन्यु के मृत्यु का प्रधान कारण जयद्रथ को समझकर दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार डालने की प्रतिज्ञा कर बैठते और साथ ही यह भी प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि ऐसा न कर सका तो मैं स्वयं जलती हुई आग में कूद पड़ूंगा। योगक्षेम वायम इस वचन के अनुसार अर्जुन की इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का भार श्री कृष्ण पर आता। अर्जुन तो उनके भरोसे निश्चिंत थे। इधर कौरवों की ओर से जयद्रथ को बचाने की पूरी चेष्टा हो रही थी। उसी दिन श्री कृष्ण आधी रात के समय ही जाग पड़े और सारथी दारुक को बुलाकर कहने लगे, दारुक मेरे लिए स्त्री मिस अथवा भाई बंधु कोई भी अर्जुन से बढ़कर प्रिय नहीं। इस संसार को अर्जुन के बिना मैं एक क्षण भी नहीं देख सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। कल सारी दुनिया इस बात का परिचय पा जाएगी कि मैं अर्जुन का मित्र हूँ। जो उनसे द्वेष रखता है वह मेरा द्वेषी है। जो उनके अनुकूल है वह मेरे अनुकूल है। तुम अपनी बुद्धि में इस बात का निश्चय कर लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है। मेरा विश्वास है कि अर्जुन कल जिस जिस वीर को मारने का प्रयत्न करेंगे वह वहां अवश्य उनकी विजय होगी। भला ऐसे मित्र वत्सल प्रभु जिसके लिए इस प्रकार उद्धत उनको विजय में क्या संदेह हो सकता। दूसरे दिन श्री कृष्ण की बताई हुई युक्ति से जयद्रथ को मारकर अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और सारे संसार ने देखा कि श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन का बाल भी बांका नहीं हुआ। कर्ण अर्जुन के साथ शुरू से ही इच्छा रखता था। दोनों एक दूसरे की प्राणों के ग्राहक थे। भीष्म के मरण के बाद भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के लिए सबसे अधिक भय कर्ण से ही था। उसके पास इंद्र की दी हुई एक अमोघ शक्ति थी जिसे उसने अर्जुन को मारने के लिए ही रख छोड़ा था। उस शक्ति के बल पर वह अर्जुन को मरा हुआ ही समझता था। उसका प्रयोग
एक ही बार हो सकता है। कर्ण को उस शक्ति से हीन करने के लिए भगवान ने उसे भीमसेन के पुत्र घटोत्सक से भिड़ा दिया। उसने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया कि कर्ण के प्राणों पर भी बन आई। वह उसके प्रहारों को नहीं सह सका। उसने बाध्य होकर वह इंद्रदत्त शक्ति घटोत्सक पर छोड़ दी और उसने घटोत्सक का काम तमाम कर दिया। घटोत्सक के मारे जाने से पांडव के शिविर में शोक छा गया। सबकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। परंतु इस घटना से श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। वे हर्ष से झूम कर नाचने लगे। उन्होंने अर्जुन को गले लगाकर उनकी पीठ थोपी, बार बार गर्जना की। अर्जुन ने उनके बेमौके इस प्रकार आनंद मनाने का रहस्य जानना चाहा, क्योंकि वे जानते थे कि कोई भी क्रिया अकारण नहीं होती। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा उससे उनका अर्जुन के प्रति अगाध प्रेम झलकता है। उन्होंने कहा, अर्जुन, आज सचमुच मेरे लिए बड़े ही आनंद का अवसर है। कारण जानना चाहोगे तो सुनो। समझते हो, कर्ण ने घटोत्सक को मारा है, पर मैं कहता हूँ कि इंद्र की दी हुई शक्ति को निष्फल करके घटोत्सक ने ही कर्ण को मार डाला है। अब तुम कर्ण को मरा हुआ ही समझो। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कर्ण के हाथ में शक्ति रहते उसके मुकाबले में ठहर सकता। उन्होंने यह भी बतलाया कि मैंने तुम्हारे हित के लिए जरासंध, शिशुपाल आदि को एक एक करके मरवा डाला। ये लोग पहले न मारे गए होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। हम लोगों से द्वेष रखने के कारण वे लोग अवश्य ही कौरवों का पक्ष लेते और दुर्योधन का सहारा पाकर वे समस्त भूमंडल को जीत लेते। उनके समान देवद्रोहियों का नाश करने के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। इसी प्रसंग पर उन्होंने सत्य यह भी कहा कि कौरव पक्ष के सब लोग कर्ण को यह सलाह दिया करते थे कि अर्जुन के सिवा किसी दूसरे पर शक्ति का प्रयोग न करे, और वह भी इसी विचार में रहता था, परंतु मैं ही उसे मुंह में डाल देता था। यही कारण है कि उसने अर्जुन पर शक्ति का प्रहार नहीं किया। सात्य के अर्जुन के लिए वह शक्ति मृत्यु रूप है। यह सोच समझकर मुझे रातों दिनों तक नींद नहीं आती थी। आज वह घटोत्सक पर पड़ने से व्यर्थ हो गई। यह देखकर मैं ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन मौत के मुँह से छूट गए। मैं अर्जुन की रक्षा करना जितना आवश्यक समझता हूँ उतने अपनी माता पिता तुम जैसे भाइयों तथा अपने प्राणों की भी रक्षा आवश्यक नहीं समझते। तीनों लोगों के राज्य की अपेक्षा भी यदि कोई दुर्लभ वस्तु हो तो उसे मैं भी अर्जुन के बिना नहीं चाहता। इसीलिए आज अर्जुन मानो मरकर जी उठे, ऐसा समझकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। इसीलिए इस रात्रि में मैंने राक्षस घटोत्सक को ही कर्ण से लड़ने के लिए भेजा था। उसके सिवा दूसरा कोई कर्ण को नहीं दबा सकता था। भगवान के इस वाक्यों से स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन भगवान को कितने प्रिय थे और उनकी वे कितनी संभाल रखते थे। वे अपने को भगवान के हाथ का यंत्र बना देते हैं। उनके भगवान इसी प्रकार संभाल कर रखते हैं और उनका बाल भी बांका नहीं होने देते। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु की शरण को छोड़ जो और सहारे ढूंढते रहते हैं उनके समान मूर्ख कौन होगा। द्रोणाचार्य के वध से अवर्षित होकर वीर अश्वत्थामा माने पांडवों के प्रति आग्नेय अस्त्र का प्रयोग
उसके छूटते ही आकाश बाणों की वर्षा होने लगी और सेना में चारों ओर आग फैल गई। अर्जुन अकेले एक अक्षोड़ी सेना लेकर अश्वत्थामा का मुकाबला कर रहे थे। उस अस्त्र के प्रभाव से उनकी सारी सेना इस प्रकार दग्ध हो गई कि उसका नाम निशान तक नहीं गया, परंतु श्री कृष्ण और अर्जुन के शरीर पर आँच तक नहीं आई। इन दोनों महापुरुषों को अस्त्र के प्रभाव से मुक्त देखकर अश्वत्थामा चकित और चिंतित हो गया। अपने हाथ का धनुष फेंक कर वह रथ से कूद पड़ा और धिक्कार है कहता हुआ रणभूमि से भाग चला। इतने में ही उसे व्यास जी दिखाई दिए। उसने उन्हें प्रणाम किया और उस सर्वसंहार की अस्त्र का भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पर कुछ प्रभाव न पड़ने का कारण पूछा। तब व्यास जी ने उसे बताया कि श्री कृष्ण नारायण ऋषि के अवतार है। और अर्जुन नर के अवतार हैं। इनका प्रभाव नारायण के ही समान है। ये दोनों ऋषि संसार को धर्म मर्यादा में रखने के लिए प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। व्यास जी की इस बातों को सुनकर अश्वत्थामा की शंका दूर हो गई और उसकी अर्जुन और श्री कृष्ण में महत्बुद्धि हो गई। व्यास जी के इन वचनों से भी श्री कृष्ण और अर्जुन की अभिन्नता सिद्ध होती है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के तो कृपा पात्र थे, भगवान शंकर की भी उन पर बड़ी कृपा थी। युद्ध में शत्रु सेना का संहार करते समय वे देखते हैं कि एक अग्नि के समान तेजस्वी महापुरुष उनके आगे आगे चल रहे हैं। वे ही उनके शत्रुओं का नाश करते थे, किंतु लोग समझते थे कि यह अर्जुन का कार्य है। वे त्रिशूल धारण किए रहते थे और सूर्य के समान तेजस्वी थे। वेद व्यास जी बात होने पर उन्होंने अर्जुन को बताया कि वे भगवान शंकर ही थे। इस पर श्री कृष्ण की कृपा हो उस पर और सब लोगों पर भी कृपा करें, इसमें आश्चर्य की क्या बात। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब हुई। अस्तु। भगवान के परम भक्त एक कृपा पात्र होने के साथ साथ अर्जुन में और भी कई गुण थे। क्यों न हो, सूर्य के समान सूर्य रश्मियों की तरह भक्ति के साथ दैवी गुणों तो आनुषंगिक रूप में रहते ही हैं। वे बड़े धीर वीर इंद्री विजयी दयालु कोमल स्वभाव एवं सत्य प्रतीक थे। इसमें दैवी गुण जन्म से ही मौजूद थे। इस बात को गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने संपदम देवी मजितम कहकर स्वीकार किया। इनके जन्म के समय आकाशवाणी इनकी माता को संबोधित करते हुए कहा था कि कुंती, यह बालक कार्तवीर अर्जुन एवं भगवान शंकर के समान पराक्रमी इंद्र के समान अजय होगा, तुम्हारा यश बढ़ाएगा। जैसे विष्णु ने अपनी माता अदिति को प्रसन्न किया था, वैसे ही यह तुम्हें प्रसन्न करेगा। यह आकाशवाणी केवल कुंती ने ही नहीं सब लोगों ने सुनी थी। इससे ऋषि मुनि देवता और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए। आकाश में दुमदुमियाँ बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी। इस प्रकार इनके जन्म के समय से ही इनकी अलौकिकता प्रकट होने लगी थी। जब ये कुछ बड़े हुए तो इनके भाइयों का दुर्योधन आदि धृष्टराष्ट्र के कुमारों के साथ साथ इनकी शिक्षा दीक्षा का भार पहले कृपाचार्य और पीछे द्रोणाचार्य को सौंपा गया। सूतपुत्र के नाम से प्रसिद्ध कर्ण भी इनके साथ साथ शिक्षा पाते थे। द्रोणाचार्य के सभी शिष्यों में शिक्षा बाहुबल और उद्योग की दृष्टि से तथा समस्त शास्त्रों के प्रयोग फूर्ति और सफाई में अर्जुन ही सबसे बड़े चढ़े थे। ये द्रोणाचार्य की सेवा भी बहुत करते थे। इनकी सेवा लगन और बुद्धि से प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने एक दिन से कहा कि बेटा, मैं प्रयत्न करता हूँ कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो। द्रोणाचार्य जैसे सिद्ध गुरु की प्रतिज्ञा क्या कभी असत्य हो सकती है। अर्जुन वास्तव में संसार के अद्वितीय धनुर्धर निकले।
तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।